हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास टेंथ में आपका साइंस में चैप्टर नंबर 6 है, लाइफ प्रोसेसेस, जो कि आपका बायो का पार्ट है। इसमें आपको जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। आप सबको मैंने जैव प्रक्रम क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। जैव प्रक्रम में चार प्रक्रियाएं इम्पॉर्टेंट जो आपको विशेषता पढ़नी है वो है आपका पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इन चारों में से पोषण के बारे में हम स्टार्ट कर चुके हैं और खाने की आदतों के आधार पे और भोजन की उपलब्धता के आधार पे दो प्रकार का पोषण पाया जाता है, जिसके बारे में आप जान चुके हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में आपको दो तरीके से मैंने बताया कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं, और जो रसायन संश्लेषी होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके अपना भोजन बना लेते हैं, यानी कि उसके लिए उनको सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। उसके अलावा मैंने विषम पोषी पोषण में आपको 6-7 तरीके का बताया था कि जैसे आपका हर्बीवोर्स होते हैं शाकाहारी, कॉर्निवोर्स मांसाहारी, ओमनीवोर्स सर्वाहारी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं सेप्रोफाइट्स, और पैरासिटिक होते हैं परजीवी। और उसी में मैंने आपको एक और पोषण को ग्रहण करने का तरीका, आहार लेने का जो तरीका था उसमें आपको कल मैंने प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी कंटेंट में हम आगे पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैंने कल आपको बताया था, उसी कंटेंट से आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, क्लास टेंथ में आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में आप सबको मैंने बताया है जैव प्रक्रम के बारे में कि जैव प्रक्रम वो सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं, जिसमें आपका पहले नंबर पे आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, दूसरे नंबर पे श्वसन के बारे में पढ़ना है, तीसरे नंबर में आपको वहन और चौथे नंबर में आपको उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। बेसिकली पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, बचे भोजन का अवशोषण करना और शरीर द्वारा रिपेयरिंग के लिए उस पोषक तत्वों का उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है आपका ऑटोट्रॉफ्स का, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, स्वपोषी पोषण का, और दूसरा है आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, यानी कि विषम पोषी पोषण का। तो स्वपोषी पोषण में हमने बात करी थी दो तरीकों के बारे में, कि प्रकाश संश्लेषी तरीके से या रसायन संश्लेषी तरीके से अपना भोजन अपना जीव जो है वो बना सकता है। दूसरे में विषम पोषी में हमने बात करी थी पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, और एग्जाम्पल के लिए हमने मानव या अन्य जीवों की बात करी थी। उसके बाद हमने प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी पोषण में पौधे अपना भोजन जो है किस तरह से बनाते हैं उस प्रक्रिया के बारे में हमने कल के सेशन में बात कर ली थी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ये वो प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी पौधे या जंतु बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें क्या बनता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है। सूर्य का प्रकाश आपको अबंडेंस में मिलता है प्राकृतिक रूप से, क्लोरोफिल आपको हरे पेड़ पौधों में मौजूद जो प्लास्टिड्स होते हैं उसमें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। वातावरण से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। जल जो है वो स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करके उसकी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
पूरी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं हरे पेड़ पौधे, फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देना और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। इस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा का बहुत मुख्य कार्य होता है, बहुत मेन रोल होता है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा या पर्ण रंध्र कहते हैं, और इन पर्ण रंध्रों का मुख्य काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। इसमें आपको सहायक कोशिका, अधिचर्म कोशिका, द्वार कोशिका और रंध्र छिद्र इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये आपके पर्ण रंध्र की संरचना है। ये क्या है? ये आपके पर्ण रंध्र की संरचना है, ठीक है। इसमें आपको विषम पोषी पोषण में आपने स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में जान लिया था, जिसमें आपको मैंने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में बता दिया था। उसके अलावा आपको प्राणी संपोषण के बारे में, मृतोपजीवी पोषण के बारे में और परजीवी पोषण के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। तो प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, ये आपका एक एक नंबर के क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है, जिसमें आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन या परजीवी पोषण किसे कहते हैं। एक एक नंबर में क्वेश्चन में यदि पूछा जाए तो जितना आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है इतना सफिशियंट है, इतना लिखेंगे आपको एक मार्क्स मिल जाएंगे। प्राणी संपोषण में लिखेंगे, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, उदाहरण के लिए अमीबा और मानव। मृतोपजीवी पोषण में लिखेंगे, मृत जीवी पौधे अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए हम फफूंदी और कवक लिख सकते हैं। परजीवी पोषण में हम बात करेंगे तो लिखेंगे, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन नुकसान पहुंचाते रहते हैं, है ना। परजीवी का मतलब है कि वो अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए सामने वाले का यानी कि होस्ट का नुकसान करते रहते हैं, इस प्रकार का पोषण परजीवी पोषण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जब आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में आपने जाना कि जो मुख्य प्रक्रिया है वो स्ट्रोमेटल ओपनिंग और स्ट्रोमेटल क्लोजिंग, पर्ण रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। तो शॉर्ट में हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में जान लेंगे, शॉर्ट में जान लेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम शॉर्ट में जानेंगे क्या क्या। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है बच्चों, इसमें आपका कच्ची सामग्री क्या क्या यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2।
और कुछ मात्रा में जल भी रिलीज होता है, कुछ मात्रा में जल भी रिलीज होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की बेसिक जो समीकरण है वो आपके सामने है। अब इसको करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की एंट्री होती है उसके बारे में बात करी थी कि पानी, पानी कैसे जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कैसे जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके पौधे के अन्य भागों तक पहुंचा दिया जाता है, कैसे पर्ण रंध्रों के ओपनिंग और क्लोजिंग से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से ग्रहण करती है पत्ती और उसके बाद सनलाइट को भी अब्सॉर्ब करने का काम उसी तरीके से होता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, इसमें आपको पर्ण रंध्रों का जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो थिन होती हैं, इलास्टिक होती हैं और खुलती बंद होती हैं जरूरत के अनुसार। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फोटो सिंथेसिस, ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जब छोटी क्लासेस में थे हम तो हमें ये बहुत आसान से समझ में आती थी, लेकिन इसके अलग अलग दो फेजेस होते हैं बच्चों। एक होता है आपका फोटोकेमिकल फेज और दूसरा होता है बायोसिंथेटिक फेज, बायो सिंथेटिक फेज। अब जो फोटोकेमिकल फेज होता है, ये फोटोकेमिकल फेज में क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो लाइट की उपस्थिति में ही हो सकती हैं, है ना। तो इसको हम इसीलिए फोटोकेमिकल फेज कहते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लाइट रिएक्शंस भी कह सकते हैं, है ना। जो फोटोकेमिकल फेज होता है बच्चों इसको हम लाइट रिएक्शंस भी कह सकते हैं, लाइट रिएक्शंस यानी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली जो समीकरण है, जो प्रक्रियाएं हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, वो लाइट रिएक्शन कहलाती है। और ऐसी प्रोसेस, अब ये सब जो है ये किसकी, क्लोरोफिल, ये जो प्रक्रिया आपको सामने दिखाई पड़ रही है ये प्रक्रिया आपकी होती है फोटोकेमिकल फेज, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो अब्सॉर्ब करता है सनलाइट को और वो चेंज करता है उसको केमिकल, उसमें वो आपका क्या कहलाता है, फोटोकेमिकल फेज कहलाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड्स में होती है। ये एक नंबर के क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, अदरवाइज ये नहीं आएगा। ये लाइट रिएक्शन जो है ये कहाँ पे होती है, लाइट रिएक्शन आपकी होती है थाइलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और थाइलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है इसका स्ट्रक्चर आपको, आप 10th में है, 11th में आपको ये बहुत विस्तार से पढ़ना होगा। अभी आप ये जान लें कि थाइलाकॉइड्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं और उनके अंदर ही ये लाइट रिएक्शन वाली प्रोसेस होती है। तो लाइट रिएक्शन क्या हुआ, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है जिसमें लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाता है और उसके बाद उसको यूज किया जाता है, किस काम के लिए, फॉर स्प्लिटिंग H2O, जो ये H2O है तो पानी के अणुओं का टूटने की जो प्रक्रिया है उसको यूज किया जाता है, सनलाइट को यूज किया जाता है पानी के टूटने की प्रक्रिया में या जल के अणुओं के विखंडन के लिए, और टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये निर्माण होता है ग्लूकोज का। तो एडिशनली इस फेज में एनर्जी भी बनती है, है ना, जो एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में प्रोड्यूस होती है। तो लाइट रिएक्शंस जो है अकर्स इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकॉइड्स, तो ये एक लाइन लिखेंगे, लाइट
reactions occurs in the membranes of थाइलाकॉइड्स, ठीक है, थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शंस होती हैं और इसमें लाइट रिएक्शंस में कई सारे इवेंट्स होते हैं। ये सबसे पहला इवेंट जो है लाइट रिएक्शन का, हम बात कर लें अगर लाइट रिएक्शन की, लाइट रिएक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहला इवेंट क्या होता है बच्चों? इसमें सबसे पहला इवेंट होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यानी कि पहला क्या हुआ, पहला जो सनलाइट है उससे जो प्रकाश ऊर्जा हमें मिल रही है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। तो ये उसकी पहली घटना हुई। दूसरी घटना क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच2। है ना बच्चों? तो लाइट रिएक्शंस में पहली घटना क्या होती है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। दूसरी घटना क्या होती है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। यानी कि सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला ये हुआ कि जो क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधों में मौजूद है उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। और उसके बाद जो जमीन से पानी खींचा है उस हरे पौधे ने, उस पानी का क्या होता है, पानी के अणुओं का स्प्लिटिंग यानी विखंडन हो जाता है और विखंडन होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स में वो टूट जाता है। और फाइनली क्या होता है, फाइनली जो होता है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मेशन होता है ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच2 यानी कि उसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स का और एनएडीपीएच2 का फॉर्मेशन होता है ना। यानी कि जो ये आपको रिएक्शन दिखाई गई, जो आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है ये तीन अलग अलग भागों में टूट करके होती है ना, जिसमें से आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो भागों में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। पहली प्रोसेस आपकी फोटोकेमिकल फेज कहलाती है और दूसरी प्रोसेस आपकी बायोसिंथेटिक फेज कहलाती है, या इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में इतना आपने जान लिया है ना। अब इसमें आपका अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का क्या होता है वो आप एक बार लिखेंगे। एंड रिजल्ट है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है,
एंड रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, उसमें क्या क्या चीजें बनती हैं। सबसे पहले तो बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है, और सिंपल ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स और दूसरा क्या होता है, उसके बाद उसको प्लांट सेल्स के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, कन्वर्सेशन कन्वर्जन होता है इसका सुक्रोज में, और उसके बाद फैट्स का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन्स का, वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है ना। और इस तरह से आपको पता चल गया कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसके द्वारा पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अब विषम पोषी पोषण में स्वपोषी पोषण के बारे में क्लियर हो गया आपको कि स्वपोषी पोषण होता है तो उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। अब उसके बाद आपको प्राणी संपोषण कैसे होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको जानना होगा कि अमीबा जो है वो कैसे अपने भोजन को ग्रहण करता है, उसकी प्रोसेस के बारे में भी आपको जानना है, फीडिंग और डाइजेशन इन अमीबा भी आपको जानना है। तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, अमीबा जो कि क्या है, आप एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है और प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, और इसमें अमीबा में एक ही कोशिका से पूरा जीव जो है वो बना हुआ है, यानी कि एक ही कोशिका है, उस एक कोशिका के अंदर केंद्रक है, यानी कि वो अपनी सारी प्रक्रियाएं, अपने जीवन से रिलेटेड सारी प्रक्रियाएं इसी एक ही कोशिका की मदद से कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब स्क्रीन के माध्यम से, चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो जो आपका ये है अमीबा, अमीबा की कोशिका को दिखाया जा रहा है, इसमें ये आपकी कोशिका है, इसके अंदर यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म है और एक केंद्रक इसमें मौजूद है। ठीक है, यह जब कोई खाद्य कण अमीबा के संपर्क में आता है, जब कोई खाद्य कण अमीबा के संपर्क में आता है तो अमीबा भोजन को अपने पादाभ की सहायता से घेर लेता है, यानी कि पादाभ किसे कहते हैं, सीडोपोडिया, जिसको कहते हैं कूटपाद, सीरोपोडिया का मतलब नकली का पैर, नकली का कुछ ऐसा आउटग्रोथ निकालता है अपने शरीर में और उसकी सहायता से पादाब या कूटपाद, जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं, तो इसको क्या करता है, ये इस तरह से पादाब या कूटपाद निकालता है, उसमें ये भोजन को यानी खाद्य कण को कवर कर लेता है, कम्प्लीटली जब वो कवर कर लेता है तो इस तरह से खाद्य रिक्तिका यानी कि फूड वैक्यूल का निर्माण होता है, खाद्य रिक्तिका यानी कि फूड वैक्यूल का निर्माण होता है, और फूड वैक्यूल का निर्माण होने के बाद खाद्य रिक्तिका में जो जटिल पदार्थ है, जो खाद्य कण है जटिल पदार्थ के रूप में, उसका विघटन किया जाता है सरल पदार्थों में, यानी कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है पाचक रस के द्वारा, और उसके बाद बचा हुआ अपच वो है कोशिका की सतह की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में और इस डायग्राम को भी आप बनाएंगे। अमीबा के बारे में आप सभी ने जान लिया कि अमीबा जो है, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव है,
जो कहाँ पे पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में पाया जाता है, लेक वाटर में पाया जाता है, पडल्स में पाया जाता है, और इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कि एक कोशिका झिल्ली होती है और एक राउंड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर और बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि सभी जीव अपना भोजन जो है वो अपने मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं, लेकिन जब अमीबा केवल एक कोशिकीय जीव है, इसमें अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए अलग अलग अंग नहीं होते हैं, तो कैसे एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा अपना भोजन खुद ग्रहण करता है। तो अमीबा क्या है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप। अमीबा जो है आकार में कैसा होता है, अनियमित होता है, यानी कि अमीबा का खुद का कोई आकार नहीं होता, जरूरत के अनुसार वो अपने आकार को चेंज करता रहता है। तो जब खाना खाने की जरूरत होती है तो खाद्य कण के संपर्क में आने पर इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीरोपोडिया। ये फिंगर लाइक उंगली के जैसी संरचना बनाता है जिसे हम सीरोपोडिया कहते हैं, और इसको हम फाल्स फीट भी कह सकते हैं। कूट पाद का मतलब है फाल्स फीट, यानी नकली के पैर, फाल्स फीट भी कह सकते हैं। तो सीरोपोडिया हेल्प अमीबा इन मूविंग एंड कैप्चरिंग फूड, और इस तरह से ये प्रोसेस के द्वारा अमीबा के अंदर पोषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणी संपोषण के अंतर्गत अमीबा में पाया जाने वाला पोषण, उसकी प्रक्रिया के बारे में जाना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में भी आपने जाना। थोड़ा सा ब्रीफ में आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।